उत्तर प्रदेश के बरेली में अंधेरा पाकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास, विरोध करने पर घर में घुसकर की मारपीट, परिजनों ने थाना इज्जतनगर में की शिकायत, पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। परिजन व्यापारियों के साथ एसएसपी से मिले, एसएसपी ने कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी के साथ व्यापारियों ने परिजनों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऑफिस से नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र दिया। व्यक्ति ने बताया कि 6 वर्षीय बेटा 5 सितंबर को करीब शाम 7 बजे मेरे घर से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में नसीम अहमद उर्फ नसीमा ने बच्चे को अकेला पाकर अंधेरे का फायदा उठाकर बच्चे को पकड़कर घर में खींच कर ले गया और उसके कपड़े निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट्स में अश्लील हरकत की। मेरे बच्चे को खींच कर ले जाते पड़ोस में रह रहे एक रिश्तेदार ने देख लिया था तो भागकर मुझे बताया, तो मैं भागकर आया और बच्चे को बचाया। मैंने अपने घर पर आकर बच्चे से पूछताछ की तो उसने उपरोक्त सारी बात मुझे बताई, तो मैं थाने में शिकायत करने के लिए घर से बाहर निकला ही था, अचानक नसीम अहमद उर्फ नसीमा अपने साथी वसीम सलीम अपने साथियों के साथ आकर मेरे घर में घुस आया और आते ही गंदी गंदी गाली भी दी और मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। थाना इज्जतनगर में तहरीर दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, 5 तारीख की घटना है, समय लगभग शाम को 7:30 बजे का है। बच्चे का नाम मत बताना। बच्चे, हाँ, मेरा नवासा था, वो रास्ते से जा रहा था अपने घर की तरफ, तो फरीदापुर चौधरी गांव का लड़का है नसीमा, उसने इसको टॉफी देने के बहाने से घर में बुला के उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। फिर किसी ने मुझे इसकी चीख पुकार सुन के मुझे बताया, मैं आया तो इसको मैंने बचाया, छुड़ाया, और उसके बाद उसके साथियों ने, उसके घर परिवार के लोगों ने मुझे और मेरे नवासे को मिलके मारा पीटा। उसमें मेरे गुम चोटें आई, बच्चे के भी चोटें आई और मैं इसको लेके थाने गया, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उसके खिलाफ कोई FIR लिखी गई। उन लोगों ने फर्जी तरीके से मेरे खिलाफ एक, ये 5 तारीख की घटना है, इसी 5 तारीख की, आज कप्तान साहब से मिले थे तो उन्होंने तुरंत थाना इज्जतनगर पुलिस को कार्रवाई FIR दर्ज करने का आदेश दिया और मुझे जो है इंसाफ मिला है, इसके लिए मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र रस्तोगी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय व्यापार मंडल से। ये मेरे पड़ोस में खड़े हैं राशिद अली जी, हैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं। आपके भतीजे का प्रकरण था, 5 तारीख को उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके संदर्भ में इनके बड़े भाई जो हैं, मैं बच्चे को लेकर के थाने गए, उसकी ओर से तहरीर दी, पूरी बात बताई इज्जतनगर थाने में, लेकिन इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके विपरीत विपक्षी लोगों से मिलकर के वहाँ की पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए दो, और इनका मुकदमा फिर भी नहीं लिखा गया। पिछली बार हम लोग 20 तारीख को कप्तान साहब से मिले थे, उनसे प्रार्थना पत्र देकर के आग्रह किया था कि ये इस घटना पर गंभीरता से विचार करके ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने इज्जतनगर थाने में कार्रवाई के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा भी था, लेकिन वहाँ उसके बावजूद भी उन्होंने लगभग आज 4-5-6 दिन होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम लोग पुनः अभी जो है SSP साहब से मिले हैं और उन्होंने इस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हम उनका अखिल भारतीय व्यापार मंडल की ओर से बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जाँच हो करके और जो है जो जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।